में देख लिया, सबने अपने अपने विचार दे दिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी छोटी बहन को आज्ञा मुहूर्त प्रदान करने के लिए कभी जा पाऊंगी, लेकिन ये सुनहरा अवसर मुझे मिला है। और सभी ने ये बोला कि सभी को अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत बात ये होती है कि जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया है उनके दिल पे क्या गुजर रही है, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी। माता ने ममता को छोड़ा, पिता ने स्नेह को छोड़ दिया। माता ने ममता को छोड़ा, पिता ने स्नेह को छोड़ दिया। बेटी की खुशियों के खातिर आज्ञा पत्र प्रदान किया। माता ने ममता को छोड़ा, पिता ने स्नेह को छोड़ दिया। मैं अपनी माता पिता की सबसे प्यारी लाडली, हम तीन बहने हैं लेकिन सबसे प्यारी लाडली हमारी बीच वाली बहन है, उसको इतनी हिम्मत के साथ हम आज्ञा प्रदान करने जा रहे हैं। और हमारे माता पिता का हौसला बुलंद करने के लिए मेरा पूरा परिवार, पापा का पूरा परिवार उनके साथ में जा रहा है उनको हिम्मत देने के लिए। और आप सब देखेंगे कि एक पिता की ममता और प्यार क्या होता है, वो मेरे पापा को आप देख सकते हैं। इसी भावनाओं के साथ में मैं अपनी बहन को एक शुभकामना देना चाहूंगी कि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, एक परिवार वाले लोग उसको आज्ञा पत्र देने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी हिम्मत लुटा रहे हैं, तो मैं अपनी बहन को एक संदेश देना चाहूंगी कि वो इनकी सबकी हिम्मत का सम्मान करे, अपना स्वयं का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे और जिन शासन का नाम रोशन करे। वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। घर ना परिवार की बेटी दीक्षा ले वे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। घर ना परिवार की बेटी दीक्षा ले वे, वाह भाई वाह।